नमस्कार, बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले 10 साल से आरा से सांसद रहे आरके सिंह अब बीजेपी का साथ छोड़ना चाह रहे हैं। दरअसल ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आरा से आरके सिंह हार गए और कई ऐसे बूथ दिखाई पड़े जहां आरके सिंह को 10 वोट भी नहीं मिले। दरअसल कहा जाता है कि हर बूथ पर बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, जहां 10 से 15 लोगों की एक कमेटी होती है। फिर कैसे एक बूथ पर उनको 6, 4, 10 वोट मिले हैं, इससे ज्यादा वोट नहीं मिले। तो जब इसका एनालिसिस हुआ तो समझ में आया कि आरके सिंह और आरा के कई कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जबकि दूसरा पक्ष यह है कि आरके सिंह ने आरा के लिए बहुत काम किया, बतौर पावर मिनिस्टर उन्होंने देश के लिए बढ़िया काम किया और इस बात को प्रधानमंत्री स्वयं एक्नॉलेज करते हैं। जब वो आरा से लोकसभा चुनाव हारे तो कहा यह जाता था कि वो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, पर राज्यसभा में दो नाम को चुना गया, उसमें आरके सिंह का कहीं नाम नहीं था। अब खबरें आ रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरके सिंह बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। और आरके सिंह अगर किसी एक बात का इंतजार कर रहे हैं तो वो एक बार प्रधानमंत्री को इस बात का इंफॉर्मेशन दे देना चाहते हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम अब बीजेपी से अलग हटना चाहते हैं। तो बीजेपी से अलग हट करके क्या आरके सिंह पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, यह भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हमने आपको बता दिया कि आरके सिंह बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। कब छोड़ेंगे यह भी आपको बताया कि पीएम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे उन्होंने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया। तो आरके सिंह अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो कौन सी पार्टी में जाएंगे, कब बीजेपी छोड़ेंगे, अगला उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह की गतिविधियों में वो शामिल होंगे, क्या करेंगे आरके सिंह, और आरके सिंह बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी पर इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव में राजपूतों का वोट समर्थन पूरे तरीके से मिले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा औरंगाबाद में सुशील सिंह हार गए, आपने देखा काराकाट में पवन सिंह के आने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, उसका असर इस तरीके से हुआ कि आरा से आरके सिंह हार गए, बक्सर से सुधाकर सिंह आरजेडी से जीत गए और बीजेपी से मिथिलेश तिवारी हार गए। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी का ग्रांटेड वोटर माना जाता था वो इस बार कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट हो गया। लोकल पॉलिटिक्स इस तरह का हो गया कि आपस में दो जातियां एक दूसरे के विरोध वोट करने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये है कि आरके सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, 10 साल 2 बार लोकसभा से चुने गए आरा से, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है। तो क्या करेंगे आरके सिंह, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कैलाशपति मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कैलाश जी। हमारे साथ प्रोफेसर सुधांशु कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, मैं आपके साथ आना चाहूँगा, आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूँगा कि आरके सिंह ने मन बना लिया है बीजेपी को गुड बाय करने का, हमारे सूत्र ने यह पुख्ता जानकारी दी, आपको बताएं अब वो सिर्फ पीएम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, पीएम से मिलेंगे उनको बता देंगे, क्योंकि पीएम ने उन पर बहुत भरोसा दिखाया था, पीएम ने उन्हें मंत्री बनाया, केंद्र में वो मंत्री बने। सवाल ये उठता है कि आरके सिंह अब बीजेपी छोड़ने का मन क्यों बना रहे हैं, क्या वजह यह है कि इस बार चुनाव हार गए और उनको राज्यसभा में लिया नहीं गया, अब उन्हें बीजेपी से कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए आरके सिंह
बीजेपी का साथ छोड़ देना चाह रहे हैं, और अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो फिर वो किधर जा सकते हैं? ये सवाल आपसे है संतोष जी। देखिए, आर्यन सिंह पॉलिटिशियन कम और वो एक प्रकार से नौकर साथ तो थे ही, और राजनीति वो बस डेवलपमेंट पे आरा में उन्होंने ध्यान दिया, और सोशल उन्होंने वर्कर को ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जो भाजपा के वर्कर थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब एरोगेंट टाइप वो काम करते थे, करना है तो करना है, और चूंकि नौकर साथ थे और उसके बाद मंत्री बने तो उनकी उनका दबदबा रहा, किसी भी अधिकारी को कोई काम बोलते थे तो जल्दी होता था, तो आरा का डेवलपमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा किया। आम लोगों के बीच जो उनसे नहीं मिलते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं, वो उनके फैन है, लेकिन जो पार्टी के वर्कर हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वो उनसे दूर हो चुके थे, क्योंकि किसी से मिलते ना थे, किसी का कोई काम नहीं, पैर भी कुछ नहीं, सुनते थे, तो कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बना ली। और दूसरा कारण हुआ कि काराकाट में जो पवन सिंह खड़ा हुए, तो वहां जब राजपूत वोट पवन सिंह के तरफ शिफ्ट हो गया, तो स्वाभाविक है वहां जब राजपूतों ने कुशवाहा को वोट नहीं दिया था, यहाँ कुशवाहा समाज के वोट ने भी उनको वोट नहीं दिया, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। और पार्टी छोड़ने की बात है तो जितना सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उतना सम्मान कहीं नहीं मिल सकता है, मुझे नहीं लगता है कहीं उतना सम्मान उनको मिलेगा। और उनकी जो सोशल, जो उनका जातीय जो वोट बैंक है, जो उनका जात का जो झुकाव है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनके समाज का झुकाव, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाजपा छोड़ करके कहीं और जाएंगे तो इतना सम्मान मिल पाएगा। और प्रधानमंत्री से मिलने की बात है तो प्रधानमंत्री से मिल करके अगर प्रधानमंत्री कुछ भरोसा देंगे, आश्वासन देंगे, तो भले वो फिर रुक सकते हैं। वो चाहते थे कि उन्हें भी राज्यसभा भेज दिया जाए, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया था, उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाए या केंद्र में मंत्री बनाया जाए, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो यही वजह है कि उनकी नाराजगी चल रही है, और वो पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं तो जाएंगे, तो जाएं कहां, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी उनको उतनी तरजीह देगी। हाँ, आरजेडी की तरफ जा सकते हैं या जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक मुझे नहीं लगती है। और राजनीति में एक राजपूत समाज का जो वोट है, वो बगावत करेंगे तो उनके साथ कुछ लोग जाएंगे, राजपूत समाज जो भी बगावत करता है उसके साथ एग्रेसिव रहता है, उसको नेता मानता है, तो आरके सिंह नेता है नहीं, राजपूतों के नेता तो वो है नहीं, तो इस कारण से मुझे नहीं लगता है कि राजपूत वोट बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। हाँ, विधानसभा जब चुनाव होगा तो अगर वो एरोगेंट होकर के पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे, बयान देंगे, कुछ आक्रोशित रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, तो राजपूत समाज का वोट कुछ उनके साथ जुड़ सकता है और तभी उनको सम्मान मिल सकता है। कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है, तो आरके सिंह कुछ बगावती तेवर अपनाएंगे तो भाजपा उन्हें कुछ सम्मान दे सकती है, और भाजपा के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं और उनको इतना सम्मान मिल पाएगा। रिटायरमेंट के बाद लगातार 10 साल तक उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया, किस नौकर साहब को, अब रिटायरमेंट के एज पे लगभग जा चुके हैं, 70 के आसपास उनका एज हो रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं और उनको इतनी ज्यादा तरजीह मिल पाएगी। इतनी ज्यादा तरह जी नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे संतोष जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तरजीह किसी पार्टी में मिल पाएगी, क्योंकि समाज के विपरीत अगर वो जाएंगे, धारा के विपरीत जाएंगे, तो कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी धारा, उनके समाज की जो धारा है वो देखा जाए तो कमोबेश बीजेपी के तरफ ही है, कहीं कहीं जहां कैंडिडेट होते हैं उनके समाज के, वहां आरजेडी की तरफ वोट मिल जाते हैं, जैसे सुधाकर सिंह थे तो वहां ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हुआ तो वो मिल गए, रघुवंश बाबू वैशाली से जीत गए, लेकिन अभी की जो स्थिति है वर्तमान समय में, तो उनके समाज की धारा जो है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के विपरीत जाकर के आप देख लीजिए, आनंद मोहन भी फेंका गए थे, लवली आनंद बीजेपी के विपरीत जाकर के चुनाव नहीं जीत पाई थी लोकसभा, फिर जब बीजेपी गठबंधन में गए, जदयू से उनको टिकट मिला, तभी जीत पाए, तो धारा के विपरीत आनंद मोहन कोई बड़े, ये आरके सिंह बड़े नेता नहीं है, हाँ मंत्री बन गए, कद बढ़ गया है, होम सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, नौकर साहब हैं, आईएएस रहे हैं, तो उस नाते उनका कद बड़ा है, लेकिन नेता बहुत, और धारा के विपरीत जाकर के वो कहीं टिक नहीं पाएंगे, मुझे जो लगता है। हाँ, भाजपा में ही रह करके उनको सम्मान मिल सकता है, आगे गवर्नर भी बन, चलिए आप ये बात, प्रधानमंत्री से मिलकर
कोई पद अपना चाहते हैं कि गवर्नर बन जाए, कहीं कोई पद मिल जाए, और मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी भाजपा छोड़ेंगे। डॉक्टर संजय, आपको क्या लगता है, आर के सिंह बीजेपी छोड़ रहे हैं, उन्होंने मन बना लिया है? ये मैं आपको बता दूं, हमारे सूत्रों से पुख्ता जानकारी है, आर के सिंह बीजेपी छोड़कर कहां जा सकते हैं? और जिस तरीके से संतोष जी कह रहे हैं कि जितना सम्मान उनको बीजेपी में मिला कहीं और नहीं मिल सकता है, क्या इस हाल के बावजूद क्या वो बीजेपी छोड़ सकते हैं? या अभी और बीजेपी छोड़ देते हैं तो किस पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि कई सारे ब्यूरोक्रेट जन स्वराज में एक नई उम्मीद देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जन स्वराज उनका दूसरा घर हो सकता है, दूसरी पार्टी हो सकती है बीजेपी के बाद? देखिए, राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है, और इतनी बात तो जरूर है कि जो आला कमान है पार्टी के, वो नाराज इनसे हैं। इनको उम्मीद थी कि हमें राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर से एक बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट इनके बारे में जो गई, जिसको आपने इंट्रो में कहा भी कि कई बूथ ऐसे थे, अब जगदीशपुर जैसे विधानसभा में कई बूथ ऐसे थे जहां पर इनको 10 वोट भी नहीं आया, तो ये एक अपने आप में सवाल है। टिकट मिलने के 23 दिन बाद ये अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन का अभाव तो रहा ही, तो एक नाराजगी है आला कमान की। और ये भी माना जाता है कि आरके सिंह ही केवल चुनाव नहीं हारे, बल्कि आरके सिंह के चलते हम आसपास की 4 सीटें भी हार गए। वो जो शाहबाद का इलाका की जो सीटें थी, चाहे वो बक्सर की सीट हो, काराकाट की सीट हो, सासाराम की सीट हो, इन सीटों को भी लेकर के कहा जा रहा है कि उस सीट के हारने में भी आरके सिंह की भूमिका रही। तो आरके पार्टी में रहें, पार्टी छोड़ दें, वो उनका पार्ट है, स्वतंत्र है कि वो कहां जाएंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि बीजेपी अभी इनको कोई भाव नहीं देने जा रही। हालांकि आरके सिंह अपनी नजदीकियां बताते हैं कि प्रधानमंत्री से कैसे मैं नजदीक हुआ, कैसे प्रधानमंत्री जी ने हम पर भरोसा किया, इनके शायद साढ़ू गुजरात कैडर में, और इनकी जो पत्नी की बहन वहीं गुजरात कैडर में आईएएस हैं, अच्छे रैंक में थे, और उसके बाद ये नरेंद्र मोदी जी के करीब आए, नरेंद्र मोदी जी ने इन पर भरोसा किया और लगातार 10 वर्ष तक आरा का प्रतिनिधित्व किया। एक परफॉर्मर के तौर पर तो इन्होंने काम किया आरा, लेकिन जहां तक सांगठनिक धार की बात है, उस धार को बिल्कुल इन्होंने कमजोर रखा या कुंद रखा, और कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने में कोई इन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि माना जाता है कि पार्टी तो कार्यकर्ताओं की ही होती है, और कार्यकर्ता ही होते हैं जो उत्साहित होते हैं तो मतदाताओं को बूथ तक कनेक्ट करते हैं, और वो चीजें वोट में जब आती है तो पार्टियां जीतती है या हारती है। तो आरके सिंह भाजपा से नाराज रहे हैं, भाजपा से खुश रहे हैं, आरके सिंह को बीजेपी कोई भाव नहीं देने जा रही। और जो एक दूसरे सवाल आपके हैं कि क्या ये जन स्वराज में जा सकते हैं, जिधर कई ब्यूरोक्रेट्स का इशारा है, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। आरके सिंह सेवा से मुक्त हो गए हैं, एक अच्छे ईमानदार अधिकारी के रूप में रहे हैं, तो जन स्वराज के प्रशांत किशोर तो चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और आरके सिंह को भी लग सकता है कि जब बीजेपी बहुत भाव नहीं देने जा रही है तो कोई प्लेटफॉर्म तो हमको चाहिए, तो क्यों न जन स्वराज का प्लेटफॉर्म अगर मिलेगा तो सीनियोरिटी के बेसिस पर एक वहां हमारा सम्मान भी होगा, और हम अपने को साबित भी कर पाएंगे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता, आप ये बात कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कैलाशपति जी आरके सिंह विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं? क्या बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं? ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है, कहाँ जाएंगे इसके बारे में अभी बहुत कंफ्यूजन है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो आरजेडी भी जा सकते हैं? क्या आपको लग रहा है जेडीयू भी जा सकते हैं, या जन स्वराज चले जाएंगे? क्योंकि बिहार में बहुत सारे अधिकारी रिजाइन कर जन स्वराज जा रहे हैं, शिवदीप लांडे का भी नाम आया, ऐसे उन्होंने खुद मना कर दिया कि वो किसी पार्टी के टच में नहीं है, लेकिन बिहार की सेवा करते रहेंगे ये कह रहे हैं।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या जन स्वराज पार्टी बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ जोड़ेगी और उन लोगों में एक आरके सिंह भी हो सकते हैं? सर, राजनीति तो संभावनाओं के खेल हैं, लोग अपने नए नए द्वार खोलते रहते हैं, लेकिन मैं संतोष जी के साथ हूं। अगर वो जन स्वराज में जाते हैं या आरजेडी में जाते हैं तो आरके सिंह की उतनी पूछ नहीं रहेगी जितनी पूछ उनको जितनी महत्ता और तवज्जो बीजेपी में मिली है। हाँ, हो सकता है कि उनको अभी वो चाह रहे थे कि, आपने सही बोला सर, कि वो चाह रहे थे कि दो जो अभी राज्यसभा का रिसेंटली चुनाव हुआ है, एक सीट उनको मिले, वो सीट नहीं मिली, केंद्र में मंत्री बने, वो मंत्री पद भी नहीं मिला, तो नाराजगी तो है ही। लेकिन सर, ये थोड़ा सा मैं आपसे मतैक नहीं रखता हूँ कि ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस भी हो सकता है कि मैं भाजपा छोड़ दूंगा अगर मुझे उचित स्थान नहीं मिला, तो भाजपा पे ही प्रेशर बनाने की एक कोशिश हो सकती है। और ये है, दूसरी बात है 2025 की चुनाव में तो निश्चित रूप से ये संभावना देख रहे होंगे कि 25 के चुनाव में मैं एक पावर का एक केंद्र बिंदु बनूं, और जहां तक उनकी जिस जमात से वो आते हैं, जिस जात से आते हैं, संतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि उसका झुकाव एनडीए की तरफ है। एक और सर मैं बात कह रहा हूं कि जदयू में तो उनके लिए दरवाजे लगभग बंद है, एनडीए जब तक एक साथ रहेगा है, मतलब नीतीश जी के साथ है भाजपा, तब तक जदयू तो उनका मतलब उनका वहां प्रवेश नहीं होगा। हाँ, मतलब एक आरजेडी में ये है कि आरजेडी में जिस जात से वो आते हैं उस जात के नेता रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं, तो वहां एक द्वार खुल सकता है, लेकिन फिर बात वही आके घूम के आती है कि भाई इतना सम्मान उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर, मुझे जैसे लग रहा है कि ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस है और प्रेशर में लाके, और सर आप बेटर जानते होंगे कि उनका जो मंत्री का घर था दिल्ली में वो आज तक खाली नहीं करवाया गया, उनको बोला गया है शायद कि वेट, जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको बोला गया है कि वेट कीजिए, तो प्रधानमंत्री के से मिलने के बाद क्या संभावनाएं बनती हैं नहीं बनती हैं ये तो भविष्य की बात है। और एक तेज तरार नेता, मतलब उनकी सबसे बड़ी जो कमी है वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते। जनता जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उसका हमेशा रहता है कि भाई मंत्री के पास गए, अपना जो कुछ काम हो उस काम को करवा लिए, लेकिन इनका राजकुमार जी सिंह जी का एक बड़ा था कि भाई सामाजिक काज हो, अगर उस काम को लेके आप आते हो तो मैं उसमें आपको मदद करूंगा, लेकिन कोई व्यक्तिगत काम हो उस काम को लेके आओगे तो उनको वो झिकरी दे के अपने दरवाजे से बाहर कर देते थे। कई उदाहरण, कई लोग हम लोग से मिले भी हैं जिनको कि उनके व्यक्तिगत काम को नहीं के बराबर किया गया है। तो सर, एक ये संभावना बन रही है। दूसरी संभावना, सही बोले आप बिल्कुल, कि प्रशांत किशोर जी के यहाँ तमाम एक्स ब्यूरोक्रेट का एक जमावड़ा हो रहा है, वहां सारे लोग एक तरफ जुटते चले जा रहे हैं, तो वो प्रशांत जी के लिए अच्छा होगा कि ऐसे कैलिबर के नेता जो दो दो बार मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, एक अच्छी छवि बनी हुई है, उनकी ईमानदार छवि है, करक छवि है, तो प्रशांत किशोर के लिए फायदे की बात होगी। लेकिन वहां आरके सिंह साहब को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। सर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक बात बताइए प्रोफेसर सुधांशु कुमार, जेडीयू के रास्ते उनके लिए बंद क्यों हैं? कैलाश जी, क्या आप ही बताएंगे? क्योंकि आपने कहा जेडीयू नहीं जा सकते हैं वो, ऐसी भी तो संभावना हो सकती है कि जेडीयू में चले जाएं। सर, ये मेरा जहां तक लगता है, जब तक जदयू और बीजेपी, जब एनडीए जब तक इंटैक्ट है तब तक संभावनाएं नहीं के बराबर है। सर, वैसे संभावनाओं का खेल राजनीति है, ये तो मैं पहले ही बताया सर, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों एक स्मूथली पार्टियां चल रही हैं, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में नहीं आ रहे हैं, इस पार्टी के नेता उस पार्टी में नहीं जा रहे हैं, एक सामंजस्य की एडजस्टमेंट सी बनी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक ये कंसेंसस है कि भाई हम तुम्हारे नेता को नहीं लोगे, तुम मेरे नेता को नहीं लोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो प्रोफेसर सुधांशु कुमार, ये बताइए कि बिहार में इस बार बीजेपी से तीन राजपूत नेता जीते हैं, मंत्री किसी को नहीं बनाया गया है। कहा यह जाता है कि अगर आरके सिंह जीते होते तो मंत्री जरूर बनते, लेकिन ये जीते नहीं तो मंत्री बनाया नहीं गया। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्यसभा भी इनको नहीं भेजा गया, लोकसभा से जो तीन जीते गए, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हों, चाहे जनार्दन सिग्रीवाल हों, और एक और सांसद राधा मोहन सिंह है, ये तीनों मंत्री नहीं बनाए गए।
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आरके सिंह बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि राजपूतों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में हो सकता है? पहली बात पंकज जी, मैं अभी आपके पास सूत्र की जानकारी है तो पुख्ता होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक प्रेशर के रूप में ही काम कर रहा है जो अभी ये कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने संभावनाएं नहीं बंद की है ना। अगर किसी पार्टी छोड़ने का मतलब है कि आपकी नाराजगी इतनी बड़ी हो गई है कि अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, पार्टी में फिर कोई अवसर तलाशने की स्थिति में नहीं है और आपको ये लग गया कि अब ये पार्टी मेरे लायक नहीं बची। आपने ही अपनी रिपोर्टिंग में ये कहा कि अभी वो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद डिसीजन करें, और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब प्रधानमंत्री जी ही है और कौन है। जब उनसे मिलने की संभावना अभी अगर उनके पास बची हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद फिर अगर वो मिलते हैं और प्रधानमंत्री जी उनको जो भी है और कोई जाकर ये कह दे, हम लोग ये सोच लें कि नरेंद्र मोदी जी से जाके आर के सिंह जी कोई बार्गेनिंग की बात कर लेंगे, तो ये तो मुझे नहीं लगता जितनी हमारी पॉलिटिकल समझ। ठीक है, दोनों जैसे अभी और साथी रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई नाराजगी का मामला है, तो हो सकता है दोनों तरफ की जो नाराजगियां हैं वो आमने सामने रखी जाएंगी और फिर उसमें से कोई रास्ते निकलेंगे। और इस अगर वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इंतजार करें, मैं ये मानता हूं कि आर के सिंह जी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। आप मानते हैं बीजेपी नहीं छोड़ेंगे? प्रेशर के लिए है। जी जी नहीं, आप मानते हैं बीजेपी नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे। अगर इसमें ये रहता कि मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिलने आ रहा, मतलब देखिए नाराजगी का वो पार्टी कोई तब छोड़ता है जब नाराजगी की सीमा इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको कोई संभावना, कोई व्यक्ति ऐसा पार्टी के अंदर नहीं दिखता है जो लगे कि उससे मिलकर फिर हमारे लिए कोई बात बन सके। वो जिनसे मिलने की बात कर रहे हैं वो तो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उनके इशारे पे पूरी पार्टी चलती है। अगर वो मिलने के लिए इनको समय देते हैं और इनका मिलना होता है, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ऑप्शन बचता है कि ये छोड़कर आ पाएंगे, क्योंकि जो भी इनकी हो सकता है इनके कुछ सिक्के गिले हों, ये रखे प्रधानमंत्री जी के पास जो इनके बारे में रिपोर्ट होगी वो चीजें आएंगी और फिर वो चीजें सॉर्ट आउट। लेकिन एक चीज जो सारे साथियों ने कहा और मैं भी जितना आरके सिंह की जब ये लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब ये सारी संभावनाएं सामने आ रही थी कि आरके सिंह जी के जीतने की संभावना इस बार कम है, तो वो जो कम थी उसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही थी कि जो कार्यकर्ता और आम जनता है उनके साथ इनका कनेक्ट खराब है। और उसी में किसी ने ये भी बताया था एक पॉइंट कि कई लोग जो आरा से इनसे दिल्ली मिलने आते, मान लीजिए कोई काम से कोई व्यक्ति आरा से, हर कोई आता है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दिल्ली मिलने अगर आ जाता था तो ये बहुत नाराज होते थे कि तुम दिल्ली क्यों आए, और वो मतलब एक तरह से डांट कर ये करना कि जो भी करना है जब वहां रहता हूं मैं तो वहां पर बात करूं, दिल्ली आकर ये करने की जरूरत नहीं। तो ये अगर आप देखिए नेता के लिए ये मैं ये मानता हूं आरके सिंह जी का कोई गलत, उन्होंने काम भी किया है, लेकिन कई बार क्या होता है हर व्यक्ति का अपना एक व्यवहार होता है और ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं वो, मतलब कहते हैं ना मीन फॉर बिजनेस वाला उनका एटीट्यूड रहता है, काम की बातें हैं तो करो, बाकी हमसे खाली मिलके लोगों को फोटो खिंचा लो, ये कर लो, इन सब चीजों से उनकी बड़ी नाराजगी रहती थी और उसका वो इंटरप्रिटेशन गांव है उस तरह की नहीं। चलिए ठीक है ठीक है आपने ये बात कह दी। सवाल ये उठता है संतोष जी, जब बीजेपी कुछ दे नहीं रही हो तो बीजेपी में ही क्यों बने रहेंगे? सवाल ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बीजेपी वो इसलिए गए थे कि उनको पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, चुनाव जीते, मंत्री बन गए, और आप खुद कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं होते, और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं होते तो सवाल तो यही उठ जाता है कि अगर कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं होते तो संगठन में तो काम करेंगे नहीं, संगठन में काम नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? ये तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इनकी महत्वाकांक्षा इनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर कर रही होगी कि बीजेपी के पास अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर, जिन्होंने एक नई उम्मीदें खड़ा करने की कोशिश की है बिहार में, उनके साथ जुड़ा जाए और कुछ नया करने का प्रयास किया जाए, क्या इसकी संभावना आपको नजर नहीं आती है? देखिए बीजेपी के अलावे देने के भी किसी पार्टी के पास कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही है जो कुछ दे सकती है, कहीं का गवर्नर बना सकती है, किसी आयोग वगैरह में दे सकती है, कहीं चेयरमैन बना है, राज्यसभा भी भेज सकती है किसी भी राज्य से, मंत्री डिप्टी सीएम का भी बिहार में बात हो रहा था कि डिप्टी सीएम बिहार में बना दिया जाएगा, और किसी पार्टी में जाएंगे तो फिलहाल अभी 5 वर्षों तक तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। एमएलए बनने के लिए तो जाएंगे नहीं है, एमएलसी बनने के लिए तो जाएंगे नहीं, किसी पार्टी में जाएंगे
हाँ एमएलए एमएल बनने के लिए जाएंगे, तब तो किसी भी पार्टी में जाएंगे तो आरजेडी भी बना देगा एमएलए, और राजपूत बोर्ड को तोड़ने के लिए आरजेडी भी बना देगा, कांग्रेस भी बना सकती है, मतलब जदयू भी कोई भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा पद बड़ा सम्मान भारतीय जनता के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावे और कोई नहीं दे सकती है। जहां तक प्रशांत किशोर की पार्टी की सवाल है, तो प्रशांत किशोर अभी तक तो उनकी पार्टी का भी गठन नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता का पार्टी के पास, फिर भी भारतीय जनता पार्टी आज की जो राजनीति है, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो कुछ कर पाएगी, अकेले लड़ेगी तो 25-30 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। आज की स्थिति जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा काम किया, डेवलपमेंट का बहुत काम। नीतीश कुमार अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो 10 सीट नहीं जीत पाएंगे, तो राजनीति है उसमें, और पहले भी वो अकेले लड़कर देख भी चुके हैं, 14 में जब नीतीश कुमार पिक पर थे तो 30 जगह उनके पार्टी की जमानत जब्त हुई थी, 95 का चुनाव इतिहास याद कर लीजिए, आनंद मोहन को लगा था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे लेकिन वोट कटवा साबित हुए थे। तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, नौकर शाह को जुटा कर, को जोड़कर किशोर काट सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो चिराग पासवान ने जो पिछले बार किया था वही काम प्रशांत किशोर इस बार करेंगे। चिराग पासवान जिस प्रकार से जदयू का वोट काटे थे, तो इस बार भी मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार जदयू आरजेडी का वोट काटने का काम करेंगे, जो पूर्व विधायक को देंगे, चाहे जो ब्यूरोक्रेट्स को टिकट देंगे, तो वोट काटने के अलावे और कुछ नहीं कर सकते। 2-4 सीट जीत जाए अलग बात है, जो भी सीट जीतेंगे तो वो कैंडिडेट अपने बल पर जीतेंगे, कैंडिडेट पूर्व मंत्री जैसे मुनाजी रसन हो गए, किशोर कुमार मुन्ना हो गए, अगर आरके सिंह एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीत सकते हैं, तो उस तरह से 2-4-10 सीट जीत सकते हैं। लेकिन बिहार में परिवर्तन की बात है तो वर्तमान समय में परिवर्तन जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आपको कुछ दिख नहीं रहा, आप अपनी बात बहुत ही साफ गोई से रख रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, और ये सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आरके सिंह का दूसरा घर कौन सा होगा। मैं आपको ये पुख्ता तौर पर बता सकता हूँ कि उन्होंने मन बना लिया है। अब ये बात और है कि पीएम से मिलते हैं और पीएम कह दें कि नहीं आप रहिए, हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, तब वो बने रह जाए तो अलग बात है, नहीं तो वो अब बीजेपी छोड़ना चाहते हैं और कहीं और जाना चाहते हैं। ये वो अपने लोगों के बीच बोल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी छोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय, क्या सही में अब किसी और पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, जो उनका स्वभाव है? क्योंकि किसी और पार्टी में जाएंगे तो सड़क पर उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कोई और पार्टी, जैसा कि संतोष जी कह रहे थे, कुछ और देने की स्थिति में तो है नहीं, कोई राज्यसभा की सीट भी देने की स्थिति में तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, अभी फिलहाल कुछ ऐसी संभावना है नहीं। ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी छोड़ करके क्या ये घर बैठ जाएंगे, या प्रशांत किशोर जो नए तरह का सपना दिखा रहे हैं उस सपना को दिखाने में ये भी प्रशांत किशोर का साथ दे सकते हैं और बिहार में एक नई राजनीति शुरू करने का कोशिश कर सकते हैं? देखिए, एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर ये रहे हैं राजकुमार सिंह, और बाद में जब इनको भेजा गया था, दो बार ये सदस्य रहे पार्लियामेंट के, इनको मंत्री बतौर बनाया गया, तो एक परफॉर्मर के तौर पर तो ये रहे ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पद का लोभ को लेकर के ये बहुत गिड़गिड़ाएंगे जाकर के बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, अमित शाह जी के पास, चूंकि जो एक पोस्ट होता है, खास करके जिस कैडर से, आईएएस कैडर से थे, उसमें इनको प्राइम पोस्टिंग मिली, प्राइम परफॉर्म करके दिखाया भी, जब इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई वहां भी इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, तो उसके लिए ये बहुत परेशान नहीं है। लेकिन जो पार्टी की नाराजगी है, वो नाराजगी इस कदर है कि पार्टी अब इनको कहीं से भी
उपकृत करने की स्थिति में नहीं है। वो राजपूत वोट नाराज हो जाएंगे, राजपूत वोट खुश हो जाएंगे। अब इसको लेकर के बीजेपी बहुत गुना भाग नहीं कर रही है। मैंने कहा ना कि शाहबाद की जिन सीटों की हार हुई, अब काराकाट में पवन सिंह को राजपूत समाज के लोगों ने वोट कर दिया और उसका परिणाम हुआ कि कुशवाहा लोगों ने न बक्सर में वोट किया, न सासाराम में वोट किया, न आरा में वोट किया। परिणाम है कि सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए। इस बात को लेकर के है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की पार्टी है, संगठन ही उसकी ताकत है। आज भी आरएसएस किस तरह से उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर ही भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी उसका एक विंग जरूर है। और आपने जो कहा प्रशांत किशोर जी की पार्टी के तरफ, तो हो सकता है कि बदलाव के लिए ये जा सकते हैं 34 साल में। ये सवाल तो है ही ना, प्रशांत किशोर उसके नायक बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक अकुलाहट तो लोगों के अंदर में है, एक विकल्प की छटपटाहट तो लोगों के अंदर में है, एक ठहरा हुआ बिहार से निकलने की पीड़ा तो बिहार के लोगों के पास है। इस सच्चाई को सब कोई स्वीकार करता है, वो बूथ पर वोट देने जाए न जाए, वो अपनी जाति को वोट दे दे, अपने समाज को वोट दे दे और दे करके फिर वो संतुष्ट हो जाए कि चलो हमने अपनी जाति को जीता करके और हमने चलिए अपने इच्छा की पूर्ति कर ली। लेकिन एक पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी, अब उस 40 लाख मजदूरों को लौटते हुए जिस बिहार में देखा है पैदल भिन्न भिन्न राज्यों से, और उन मजदूरों को कहा गया कि अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, और एक चनपटिया को छोड़ करके और सारे लोग फिर गाड़ियों में भर भर के दूसरे राज्य में लौट गए, तो पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार, बाढ़ का दंश झेलता हुआ बिहार, बेरोजगारी का दंश झेलता हुआ बिहार, ये जो शिक्षा हायर एजुकेशन तो कोलैप्स ही हो गया है, चिकित्सा एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है बिहार में जहां कोई मंत्री जी और विधायक जी इलाज कराने जाते हैं। एक सामान्य आदमी भी जिसकी थोड़ी भी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो तुरंत चले जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। एक छटपटाहट है लोगों का, प्रशांत किशोर कितना सीट जीता पाएंगे नहीं जीता पाएंगे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर बिहार की बात तो कर रहे हैं, मुद्दों की बात तो कर रहे हैं। हो सकता है कि आरके सिंह उस मुहिम में शामिल हो जाए कि चलो हम तो मंत्री रह ही गए, पार्लियामेंट के सदस्य रह ही गए, ब्यूरोक्रेट के तौर पर एक इज्जत प्रतिष्ठा जितनी मिलनी थी हमको बिहार से लेके केंद्र तक मिल गई, तो क्यों ना उस मुहिम का हिस्सा बना जाए जिसमें कम से कम लगे इतिहास में कि नहीं आरके सिंह ने भी बिहार को बदलने में एक भूमिका अदा की थी। इसलिए मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं कि अगर आरके सिंह के मन में कोई बात इधर हुई होगी, जीतने के लिए और पाने के लिए नहीं, बिहार को बदलने के लिए जिसकी बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। कल क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस बदलने की बात कर रहे हैं उस बदलाव में अब 3.5 करोड़ परिवार बिहार में रहते हैं और नीतीश कुमार का सामाजिक आर्थिक आंकड़ा है कि 94 लाख परिवार की मासिक आमदनी 6,000 से कम है, मतलब 1/3 आबादी है बिहार की जिसकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है। तो उस बदलाव के ये चूंकि व्यक्तित्व रहे हैं बड़ा जिद्दी स्वभाव के, तो हो सकता है कि इनके मन में अगर कोई बात हो कि ठीक है हमने विकास किया आरा का, लेकिन चूंकि हम लोगों से मिलकर के बात नहीं किए, हम उनके डे टू डे कॉन्टेक्ट में नहीं रहे, उनके साथ हमने हंसी मजाक नहीं किया, इस वजह से लोगों ने वोट नहीं किया। वोट तो मिलता है उन लोगों को जो लोग काम न करें, परफॉर्म न करें, लोगों से मिलते जुलते रहे। तो बदलाव की मुहिम में शामिल हो सकते हैं, मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता, हो सकते हैं शामिल जो इनके तेवर और जो इनका व्यक्तित्व रहा है। नहीं, इनका व्यक्तित्व जो भी रहा हो, देखिए एक दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये साफ दिखा, उत्तर प्रदेश में भी दिखा और कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट बिहार में भी थी। राजपूत नाराज थे और राजपूत नाराज इसलिए थे क्योंकि एक थ्योरी फ्लोट किया गया कि इस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। ये बात बड़ी तेजी से फैली
उत्तर प्रदेश में कई जगह पर राजपूतों की सभा भी हुई, जिसमें उस समाज के कई बड़े दिग्गज नेता आए, अपने लोगों से बात की। और कई ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बिना राजपूत के वोट से जीत ही नहीं सकती थी। तो राजपूतों का वोट लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को चला गया। और कई सारी ऐसी सीटें हैं जो जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते, वो एक्सेप्ट करते हैं कि राजपूत का वोट मिला और तभी हम जीते। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये हालत कहीं ना कहीं बिहार के भी कुछ सीटों पर दिखाई पड़ा। वहाँ पर कुशवाहा वर्सेज राजपूत हो गया, कुशवाहा चले गए आरजेडी के तरफ तो वहाँ पर राजपूत कैंडिडेट हार गए, जैसे सुशील सिंह हार गए, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीत गए। यही स्थिति पवन सिंह को लेकर के काराकाट में हुई, और पवन सिंह को लेकर के बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, जिसकी वजह से यह चर्चा में भी आए थे कि पार्टी को या तो पवन सिंह को बैठाना चाहिए या पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये एकलौते नेता थे जिन्होंने पवन सिंह के खिलाफ बहुत जोरदार तरीके से बोला कि एनडीए में जो घटक दल का धर्म है उसका पालन होना चाहिए, और पवन सिंह जो कि इंडिपेंडेंट उतरे हैं बीजेपी को फौरन निकालना चाहिए। बीजेपी ने काफी दिन तक इंतजार किया, बाद में कार्रवाई की। सवाल ये उठता है कैलाशपति जी कि क्या आरके सिंह अगर इस तरह का कोई रुख अपनाते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आनंद मोहन भी जेडीयू से जीते, उनको उम्मीद थी कि उनकी पत्नी को मंत्री बनाया जा सकता है, उनकी पत्नी मंत्री नहीं बनी, तो एक बार आनंद मोहन ने भी बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया जीतने के बाद कि राजपूत समाज को कोई गारंटेड वोटर मत समझे, अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो कहीं भी जा सकता है। आनंद मोहन अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो शाहाबाद में दिखा वो क्या पूरे बिहार में दिख सकता है? जो राजपूत वोटर बीजेपी का कोर वोटर माना जाने लगा था, वो अगर आरके सिंह भी बीजेपी छोड़ देते हैं तो क्या इसका बुरा प्रभाव बीजेपी के लिए बिहार में पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और 4% तकरीबन राजपूतों की आबादी तो है ना, और एक आवाज तो उठी है कि लोकसभा में 3 लोग जीते, मंत्री नहीं बने, राज्यसभा भी इनको नहीं भेजा गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका असर बिहार में देखने को मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये सारे लोग, जैसे आनंद मोहन जी का स्टेटमेंट है या आरके सिंह साहब का जो नाराजगी है, ये सब अगर एक जगह एक्युमुलेट होता है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन सर, इसमें एक मेरा अपना ये है, जो मेरी समझ है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि राजपूत वोटर भी बहुत टैक्टिकल वोट करते हैं, और अगर आप विधानसभा के आंकड़ा उठा को देखिएगा, 243 में से तकरीबन 28 राजपूत MLA जो डिफरेंट पार्टी से, राजपूत वोटर का एक सेंटिमेंट ये भी होता है कि जहां राजपूत वोटर, ठीक है, जहां राजपूत को विकल्प नहीं है वहां राजपूत बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां विकल्प है वहां उसका प्रतिकार भी करता है। अगर सर इसका उदाहरण देखिएगा तो उदाहरण देख लीजिए आप बक्सर की सीट, जहां राजपूतों ने एक साथ होके वोट किया है इनको, आरजेडी के कैंडिडेट को, इस तरह की है। लेकिन अगर ये सारे स्वर एक साथ हो जाएंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इस स्थिति में मेरा सर ये मानना है, अगर ऐसी स्थिति है तो आरके सिंह साहब आरजेडी के साथ भी जा सकते। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, यही मैं कह रहा था कि ये जो बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कयासबाजी है, उनके जो काफी क्लोज लोग हैं वो भी पुख्ता तौर पर नहीं बता पा रहे हैं किधर जाएंगे। पर सवाल ये उठता कि बीजेपी छोड़ेंगे तो पॉलिटिक्स तो करेंगे ना, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था तभी तो आए बीजेपी में, मंत्री भी बने, पावर मिनिस्टर भी रहे। सवाल ये उठता है कि किधर जाएंगे, और अगर कहीं जाएंगे तो क्या एनडीए के लिए करारी झटका होगा? क्योंकि एक लांछन तो लगेगा कि बीजेपी ने किसी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया, और ये बात नीरज कुमार बबलू भी बोल चुके हैं कि हमारे समर्थकों में नाराजगी है, और नीरज कुमार बबलू
बिहार सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आरके सिंह बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो इसका कितना बुरा प्रभाव एनडीए पर पड़ेगा। नहीं, इसमें तो ये कोई डाउट नहीं है पंकज जी, क्योंकि जो बिहार की पॉलिटिक्स है और ऑलमोस्ट पूरे देश की अब राजनीति में जाती एक महत्वपूर्ण तत्व है और सबको अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और अगर लगातार ये दिखने लगेगा उस समाज को कि भाई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जो लगातार बातें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े नेता इस बात को उठा रहे हैं, तो उसको उनके जो समर्थक है वो सुन तो रहे ही हैं भाई क्या हो रहा है और क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति गृह सचिव रहा, उनको आप लेकर आए, चुनाव लड़वाया, फिर मंत्रालय दिया, अब कोई एक बार मान लीजिए दो चुनाव इन्होंने जीता, अब जो भी वजह रही, मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन एक चीज तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि आराम में इनके रहते काम हुआ है। तो काम हुआ है तो एक सामूहिक चेतना तो वहां पर होगी। ठीक है, होता क्या है कि जब कार्यकर्ता को आप नहीं थोड़ा सा एक, और जो देखिए जो ईमानदार नेता होता है वो इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि काम होना चाहिए, समाज का काम होना चाहिए, जिस कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी का काम होना चाहिए। तो उसमें तो कोई आरके सिंह जी को और कोई एमपी बिहार का पीछे नहीं छोड़ सकता कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी आरके सिंह जी के साथ कि ब्यूरोक्रेसी की जितनी अच्छी समझ उनको है और किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो होगी नहीं, क्योंकि गृह सचिव रहा हुआ व्यक्ति से बड़ा पद क्या हो सकता है ब्यूरोक्रेसी, फिर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो लोग हैं वही बड़े होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी से काम कराना भी एक कला होती है जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं आता, और ये खुद ब्यूरोक्रेट से तो उन्होंने काम कराया। अब सवाल ये है जब, और चुनाव क्यों हारे वो भी खुद आरके सिंह जी भी बता रहे हैं, और ये बात में इस बात में भी सच्चाई है कि भाई जब आपस में एक दूसरे का काटने की स्थिति शुरू हुई और पवन सिंह जी को एक जगह टिकट देके फिर वो उन्होंने मना कर दिया वो जहां से चाहते थे, अगर बीजेपी का आला कमान को चाहिए था कि भाई अगर पवन सिंह इतने इंपॉर्टेंट लीडर है जिसको आप टिकट एक जगह से दे रहे हो, मान लीजिए वहां पश्चिम बंगाल से दे रहे हो, तो अगर वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा लीडर था तो फिर आप उसको सेटल करते काराकाट में, तो कम से कम जो आसपास का एरिया इफेक्ट होता वो नहीं होता। मैं आपको इसको और एक चीज बताऊं, इसको अगर आप राजद की दृष्टि से उठाकर देखिएगा, ये बात भी चर्चा में रही कि अगर कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट दिया जाता तो हो सकता था कि बेगूसराय की सीट निकल सकती थी मतलब इंडिया अलायंस की, और खाली बेगूसराय की सीट की बात नहीं थी, ये आम चर्चा की बात है कि वो जो बगल की सीट है मुंगेर वाली, वो सीट भी जहां से ललन सिंह जी जीत कर आए हैं, चूंकि अगर कन्हैया कुमार को दिया जाता तो एक मैसेजिंग होती भूमिहार समाज के बीच, और शायद वो सीट भी हो सकता था कि फिर इंडिया अलायंस ले जा सकता था क्योंकि काफी अच्छी टक्कर रही। इसी तरह की बात कही जा रही है आरजेडी में पप्पू यादव को, कि अगर पप्पू यादव को कांग्रेस जहां से कह रही थी और ये मान जाते थे और वो टिकट मिलता तो शायद पूर्णिया के अलावा आसपास मधेपुरा और सुपौल पे असर होता। तो आरके सिंह जी कोई छोटा कद का लीडर तो है नहीं जो दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह लिया और मंत्री रह लिया। तो अब दिक्कत ये देखिए क्या है, इसीलिए मैं कह रहा था ना जो आपको पहली दफा कहा कि शायद उसी संभावना की तलाश होगी प्राइम मिनिस्टर जी से, अगर प्राइम मिनिस्टर महोदय से अगर उनकी मुलाकात होती नरेंद्र मोदी से तो उसी संभावना की तलाश की ओर ये जाएंगे दोनों तरफ से। और मैं इसलिए कहा कि जब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे तलाश की ओर जाएंगे, पर एक हकीकत ये भी है कि जब आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और खासतौर पर ब्यूरोक्रेट, एक आम पॉलिटिशियन की तरह पेशेंस रखना नहीं जानते, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। मुझे लगता है संतोष कुमार जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे। अब आप देखिए, आनंद मिश्रा बक्सर तो आए थे बीजेपी ज्वाइन करने ना, उनको साफ लग रहा था बीजेपी टिकट दे देगी, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हो गए। उसके बाद अब जनसुराज का दामन थाम लिया। सवाल ये उठता है कि आप वैचारिक तौर पर ये तैयार थे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूं, लेकिन आनंद मिश्रा चले गए जनसुराज के साथ। आप देख लीजिए, कई सारे और नेता प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। करुणा सागर आए, आरजेडी ने जगह नहीं दिया, वो कांग्रेस के साथ चले गए, ये सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी ने जगह नहीं दिया, कांग्रेस के साथ चले गए, बीके रवि चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, वो समस्तीपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। आरके सिंह होम सेक्रेटरी रहे, आरके सिंह दो बार एमपी रहे, आरके सिंह मंत्री रहे। सवाल ये उठता है कि इनके नाम को लेकर के ये भी चर्चा चल रही थी कि जम्मू कश्मीर के एलजी बन जाएंगे, एलजी साहब यहाँ आ जाएंगे, मनोज सिन्हा जी, उनको मंत्री पद मिल सकता है, इनको एलजी बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा एक समय बहुत तेज थी। उसके बाद चर्चा थी राज्यसभा
बेच करके इनको मंत्री बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। शायद कहीं ना कहीं आरके सिंह को लग रहा है कि पार्टी में अब मेरी जरूरत रह नहीं गई है, इसलिए बेहतर है कि इस पार्टी को गुड बाय किया जाए और कहीं और जाकर के सेवा दिया जाए। संतोष जी, आपको नहीं लगता कि आरके सिंह ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी से किनारा किया जाए? तो निश्चित तौर पर जिस बीजेपी ने इतना कुछ दिया है, कहीं ना कहीं वो पेशेंस की तो कमी होगी जिस वजह से ये कहीं और जाना चाह रहे होंगे। इनको लग रहा होगा कि अब बीजेपी में मेरे लिए कुछ है नहीं। देखिए, राजनीति में चाहे नौकर साहब हो या जो बेस पॉलिटिशियन हो, कोई भी बगैर पद के नहीं रह पाते। अब संघ की बात छोड़ दीजिए, जो संघ से आए हुए हैं वो संघ के लोग भाजपा में हो, शहनवाज हुसैन है ना, शहनवाज हुसैन है ना, शहनवाज हुसैन को क्या मिला? शहनवाज हुसैन पार्टी छोड़ सकते थे। बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी, वामपंथी ये तीन पार्टियां छोड़ दिया जाए, इन पार्टी में है जो लगे हुए हैं शुरू से, जो बेस है जिनका शुरू से, तो वो लोग पार्टी में रह लेते हैं बगैर पद के। लेकिन इसके अलावे ज्यादातर पार्टियों में बगैर पद के नेता नहीं रह पाते। तो आरके सिंह भी बाद में वो गए हैं, वो नौकर साहब से रिटायर होकर के पद में भाजपा ज्वाइन किया उन्होंने, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने ही गिरफ्तार किया था जब वो राम रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो 90 में उन्होंने गिरफ्तार किया था, आरके सिंह ने उस समय गिरफ्तार किया था। तो ये स्थिति है, तो वो बगैर पद के नहीं रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, कुछ आश्वासन मिल जाएगा तो रहेंगे, नहीं तो वो आरके सिंह के साथ भी जा सकते हैं, आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आरजेडी में भी, क्योंकि राजपूत समाज का झुकाव जो देखा जाता है बिहार की राजनीति में, तो भाजपा के बाद आरजेडी की तरफ उनका झुकाव देखा जाता है और वो आरजेडी की तरफ वोटिंग करते हैं। एक समय था कि राजपूत समाज से ही सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे, जगतानंद सिंह भी थे, तो राजपूत समाज का वोट जहां पे राजपूत समाज आरजेडी से रहता है तो वहां वोट राजपूत समाज का मिलता है। तो मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में, लेकिन बड़ा पद अगर खोजेंगे तो बिहार में मिलेगा तो क्या मिलेगा, बहुत होगा तो मंत्री बन सकते हैं बिहार में। तो जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं वो बिहार में मंत्री पद के लिए तो नहीं जाएंगे, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, तो उसमें भी जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि वहां कोई बड़ा पद मिल पाएगा। हाँ, एक प्यूर नौकरशाही, एक हवा बहा, एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई प्रशांत किशोर एक विकल्प दे रहे हैं। तो जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं सभी पार्टियां वही बात करती है, रोजगार की बात सभी पार्टियां करती हैं, नौकरी की बात सभी पार्टियां करती है, पलायन दूर करने की बात सभी पार्टियां करती हैं, उद्योग देने की बात सभी पार्टियां करती हैं। तो चूंकि प्रशांत किशोर अभी एक नया, मतलब एक नया माहौल बना रहे हैं, एक उनको बैकअप हो रहा है, पैसे की फंडिंग बहुत ज्यादा है, तो उस तरफ जा सकते हैं आरके सिंह। और चूंकि प्रशांत किशोर के साथ कई ब्यूरोक्रेट भी जुड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर अभी तक जो देखा जाए तो पैसे के लिए, जो अभी तक जो प्रशांत किशोर की रही है, तो पैसा लेकर उन्होंने काम किया है किसी पार्टी के लिए, पहली बार वो अपनी पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में जाए, तो संभावनाओं से नहीं किया जा सकता है। नहीं, पर देखिए देखिए, एक बात ये भी चल रही थी ना डॉक्टर संजय, कि यहाँ पर उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है बिहार में। और दूसरी बात अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो प्रहलाद पटेल को, जो कि केंद्र में मंत्री थे, मध्य प्रदेश भेज दिया। एक और दूसरे कृषि मंत्री थे, बड़े नेता थे, उनको मध्य प्रदेश की राजनीति करने भेज दिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। उनको टास्क दे दिया और वो भरे मन से, दबे मन से, जैसे भी गए गए। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में है ना, ये तो आप सबको पता है। तो बीजेपी में तो कुछ भी हो सकता है। शाहनवाज हुसैन अटल जी के टाइम में मंत्री थे, राजीव प्रताप रूडी अटल जी के टाइम में मंत्री थे, राजीव प्रताप रूडी अभी जीते हैं, मंत्री तो बन नहीं पा रहे। शाहनवाज हुसैन कुछ दिन के लिए मंत्री बने, इस बार देख लीजिए फिर से एनडीए की सरकार बनी, शाहनवाज हुसैन कहाँ मंत्री बन पाए, नहीं बन पाए। और चर्चा ये थी कि राज्यसभा में भी लिया जा सकता है, उनका भी नाम आ रहा था, उनका नाम भी नहीं आया, वो भी कहीं नहीं दिखे, पर वो बीजेपी के साथ बने हुए, लगातार बने हुए। बड़ा सवाल ये है डॉक्टर संजय, कि क्या बीजेपी को छोड़ना आरके सिंह के लिए सही मूव होगा या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? ठीक है, नए ब्यूरोक्रेट्स जन स्वराज में चले जाएं वो ठीक है,
पर आरके सिंह जैसी शख्सियत जन स्वराज में जाता है तो उनको कितना सम्मान मिलेगा? लीडरशिप तो प्रशांत किशोर का ही एक्सेप्ट करना होगा ना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सम्मान उनको बीजेपी में मिलेगा या जो बीजेपी ने दिया वो सम्मान कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी इस तरह के प्रयोग करते रही है। अब शिवराज सिंह चौहान कितने मजबूत वहां के मुख्यमंत्री थे और उनको हटा करके बीजेपी ने मोहन यादव को यह जिम्मेवारी दे दी। राजस्थान में आपने देखा कि कैसे वो पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। शाहनवाज हुसैन को लोकसभा में टिकट नहीं दिया, राज्यसभा में जगह नहीं भेजी, बिहार विधानसभा में परिषद में कोई जगह दे करके मंत्रिमंडल में नहीं जगह दी, फिर भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन बने हुए हैं। आर के सिंह को लग रहा है जिस राजपूत जाति की बात बार बार कही जा रही है कि उस जाति से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, तो इनको लग रहा था कि राज्यसभा के माध्यम से फिर एक बार हमको मंत्रिमंडल में जगह देकर और इस समाज को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। असल आर के सिंह उसके एक पार्ट बने हुए थे, या डिप्टी सीएम बना करके इस समाज को खुश किया जाएगा, तरह तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन आर के सिंह की वजह से 4 सीटें एनडीए हार गई, इस बात को आर के सिंह अभी तक स्वीकार करने के लिए तैयार, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसी बात को मजबूती के साथ पकड़े हुए है कि आखिर जब आप काराकाट नहीं जिता सकते हैं, बक्सर नहीं जिता सकते हैं, सासाराम नहीं जिता सकते हैं, खुद आप 59,000 वोट से हार गए, तो उस स्थिति में हम वैसे व्यक्ति पर दाव लगाएंगे जिसके अंदर में दिखधार हो, जिसके अंदर में एक ताकत हो। और ऐसा नहीं है कि आर के सिंह इसके, अभी देख लीजिए ना, राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार जीत रहे हैं चुनाव, कहां मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से प्रयोग करते रहती है, धैर्य तो रखना होगा, और धैर्य नहीं रखेंगे तो आपके पास अगर कोई विकल्प है तो देख लीजिए वहां जाकर के कि जो आपने कई नाम गिना दिए कि आरजेडी में तो कई ब्यूरोक्रेट गए और टहल वहल के आ गए, कुमार रवि गए थे कांग्रेस में और करुणा सागर गए थे आरजेडी में, दोनों डीजीपी थे, एक्स डीजीपी थे तमिलनाडु के, और न कुमार रवि को मिला कोई जगह न करुणा सागर को मिला। तो वैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में चले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी क्रांति कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक बदलाव के लिए जो एक चल रहा है स्लोगन, जिस तरह से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम बदलेंगे, और उसकी वजह से जो एक बुद्धिजीवी जो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं जिस रूप में भी हो, सारे सवालों को वही दे रहे हैं कि जाति और सामाजिक अस्मिता को हम कैसे डाइल्यूट करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, फिर भी हम इस बार उसको मैदान में उतारेंगे, एक एक्सपेरिमेंट ही सही, अरविंद केजरीवाल की तरह फिर एक बिहार में 2 साल घूम करके ही जो बिहार की मिट्टी है उसकी समझ और उसकी सुगंध को महसूस करके ही एक प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात तो बिहार की हो रही है, तो हो सकता है कि राजकुमार सिंह अगर लगता हो कि बीजेपी अब हमें कोई जगह देने वाली नहीं है तो अगर इनके पास धैर्य होगा तो ये ठहरेंगे। चलिए, पर एक संभावना मैं चाहूंगा क्विक आंसर दें कैलाशपति जी, क्या आपको लगता है कि अगर इनको गवर्नर पद ऑफर कर दे? ओ तो चलिए, सवाल ये, मैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार एक लाइन में आपका आंसर चाहूंगा, क्या गवर्नर पद ऑफर किया जा सकता है तो क्या ये बने रह सकते हैं? क्या ऐसे इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि अब मैं बीजेपी छोड़ना चाहता हूं, बीजेपी से अलग होना चाहता हूं? नहीं नहीं, देखिए मैं तो बार बार उस बात को कह रहा हूं, कोई इनको अगर अच्छा ऑफर मिलेगा और जो इनके सम्मान के हिसाब का होगा तो रुकेंगे, अगर नहीं रुकने की संभावना तो आपने अपना फाइनल कमेंट्स दे दिया। ये आने वाले समय में क्या स्वरूप लेता है, पर मेरे पास पुख्ता जानकारी है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो बड़े व्याकुल हैं और वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उनके शुभचिंतक ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि आपको मंत्री पद पीएम ने दिया है, आप पर भरोसा जताया है, तो आप जरूर उनसे मिलिए। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे हैं आर के सिंह, क्या बीजेपी वाकई छोड़ देंगे?
क्योंकि हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आरके सिंह ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है। तो बीजेपी छोड़ने के बाद आरके सिंह किस पार्टी में जाएंगे, या राजनीति से संन्यास लेंगे, या सिर्फ ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, क्या है, क्या करेंगे आरके सिंह, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। संतोष कुमार जी आपका, प्रोफेसर सुधांशु कुमार आपका, कैलाशपति जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।